सो ही गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड को, जिसमें ऐश मिलता है आयरस से। एपिसोड की शुरुआत में ऐश को एक लेटर मिलता है, जिसको खोलने के बाद हमें पता चलता है कि आयरस, जो कि ऐश की फ्रेंड थी, उसने ऐश को एक ऑफिशियल बैटल के लिए चैलेंज किया है। फिर ऐश गो को बताता है कि आयरस उसकी एक पुरानी फ्रेंड है जो कि एक ड्रैगन मास्टर बनना चाहती थी। फिर ऐश और गो आयरस से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर गो कहता है हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। उसके बाद गो उस रीजन के पोकेमोन्स को पकड़ने लग जाता है। उसके बाद हमें आयरस दिखती है जो कि पेड़ पे सो रही होती है, लेकिन गो को लगता है कि वो एक पोकेमोन है, इसलिए वो उस पर पोकेबॉल फेंकता है और आयरस नीचे गिर जाती है। उसके बाद आयरस पीछे देखती है और गो से माफी मांग रहा होता है। फिर गो बोलता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कोई ऊपर सो भी सकता है। उसके बाद आयरस को कुछ याद आ जाता है और वहां से चले जाती है। उसके बाद जैसे ही ऐश जिम में पहुंचता है, उसे एक एप्स्यू दिखता है। उसके बाद ऐश कहता है वर्कमैन। उसके बाद वो वर्कमैन कहता है ये एप्स्यू मेरा पार्टनर है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये आयरस के टीचर है। उसके बाद गो वहां पे आ जाता है। फिर वो बताता है कि उसने कैसे एक ह्यूमन को पोकेमोन समझ लिया था। फिर ऐश को एकदम से याद आता है कि वो यहाँ पे एक बैटल करने आया है। जैसे ही ऐश अंदर जाता है तो उसका स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि आयरस जो है यूनोवा रीजन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। फिर आयरस बताती है कि मैं यहाँ की चैंपियन। फिर ऐश और गो ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर आयरस नीचे आती है और गो उससे माफी मांगने लग जाता है। फिर आयरस सबसे मिलने लग जाती है, ऐश, पिकाचु, टोमोकुकुन के साथ। जब आयरस ने अपनी ट्रिप खत्म की, उसके बाद उसने बहुत सारे ड्रैगन यूज करने वाले ट्रेनर से लड़ी और उसके बाद वो एक ड्रैगन मास्टर बन गई। पर वो फिर भी और सीखना चाहती थी और वो अपने पोकेमोन पे बिलीव रखती थी। उसके बाद वो चैंपियन बन गई। उसके बाद आयरस बोलती है चैंपियन बनना मेरा गोल नहीं है, मैं अपने से और ज्यादा बेहतर बनना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा। उसके बाद ऐश जोश में आ जाता है, वो कहता है एक चैंपियन के साथ बैटल करना, लेकिन आयरस ऐश को चिढ़ाने लगती है कि तुम तो बच्चे हो। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे वो वर्कमैन आके बोलता है बैटल का क्या हुआ। फिर उन दोनों को एकदम से याद आता है। उसके बाद ऐश अपना ड्रैगनाइट निकालता है। फिर ऐश का ड्रैगनाइट आयरस को गले लगा लेता है। फिर ड्रैगनाइट और आयरस एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर वो वर्कमैन बताता है कि आयरस ड्रैगन पोकेमोन की फीलिंग्स को समझ सकती है। फिर आयरस ऐश के ड्रैगनाइट को बोलती है अपना बेस्ट देना। फिर ऐश तैयार हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो मुकाबला होगा ये दो पोकेमोन का होगा, अपने पोकेमोन एक ही समय पे निकालना। उसके बाद काउंटडाउन खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही आयरस का पोकेमोन ड्रैगनाइट निकलता है, फिर ऐश के ड्रैगनाइट की फट जाती है और ऐश उसे दिलासा देता है। लेकिन आयरस का ड्रैगनाइट इतनी गंदी तरह से देख रहा होता है कि जैसे वो अभी के अभी ऐश के ड्रैगनाइट को मार डालेगा। लेकिन ऐश कहता है हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। फिर जैसे ही आयरस का ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लॉक का इस्तेमाल करता है, ऐश के कुछ भी कहने से पहले ही आयरस का ड्रैगनाइट इतनी बुरी तरह से मारता है कि ऐश का ड्रैगन जैसे जन्नत ही पहुंच जाता आज। और आयरस के ड्रैगन ने एक तीर से दो निशाने भी मारे। फिर ऐश और ड्रैगनाइट उठते हैं और ऐश ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉक का ऑर्डर देता है। दोनों के बीच बहुत ही गंभीर मामला चल रहा होता है और दोनों लड़ते लड़ते छत ही तोड़ देते हैं। फिर ऐश बोलती है चलते रहो। फिर ऐश का ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लॉक का बस इस्तेमाल कर ही रहा होता है, आयरस का ड्रैगनाइट आके ऐश के ड्रैगनाइट को ठोक देता है। फिर ऐश ड्रैगनाइट को वापस बुला लेता है। फिर ऐश अपने अगले पोकेमोन यानी मुलान को बुलाता है। उसे देख के आयरस का ड्रैगन हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो वर्कमैन बोलता है लगता है कि नई डिस्कवरी हुई है गिलार रीजन में। फिर आयरस मुलान पोकेमोन पे फिदा हो जाती है। लेकिन जैसे ही मुलान और ड्रैगनाइट के बीच की लड़ाई शुरू होती है, मुलान ड्रैगनाइट को चूस लेता है। आयरस का ड्रैगनाइट कुछ सुन नहीं पा रहा होता है आयरस की बात और ड्रैगनाइट हार जाता है। फिर आयरस अरोरा को निकालती है जो कि असल में एप्स्यू था, पर अब वो विकसित हो चुका है। और ऐश को याद आता है कि ये तो वही छोटा सा एप्स्यू था जो अब अरोरा में बदल चुका है, जो कि अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जो कि एक ही झटके में मुलांग को हरा देता है। फिर ऐश मुलांग को वापस बुलाता है, उसे थैंक यू कहता है और अब वो फिर से अपने ड्रैगनाइट को बुलाता है जो कि अभी भी जख्मी है और अभी भी ड्रैगनाइट के पुराने जख्म भरे नहीं है। फिर ड्रैगनाइट फुल जोश में ड्रैगन क्लॉक का इस्तेमाल करता है। फिर अरोरा भी अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है और बस एक ही बार में ड्रैगनाइट के जोश और उसके ड्रैगन क्लॉक को चूर चूर कर देता है और अपने सर पे जो लगे उसके ब्लेड्स हैं उनसे ड्रैगनाइट पे हमला करता है और ड्रैगनाइट पिट जाता है। लेकिन फिर से एक बार ड्रैगनाइट उठता है। फिर अरोरा घायल हो जाता है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अरोरा जब भी अपने सर से अटैक करेगा तब उसे भी चोट लगेगी।
फिर हैंस फिर से जोश में आ जाता है और कहता है चलो अब हम तुम्हें दिखाते हैं। फिर आयरस के हाथ से येलो कलर की लाइट सी निकलने लग जाती है। फिर ऐश को पता ही नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है, वो कहता है आयरस। पर आयरस रेगनेट के दिल से कनेक्ट हो रही होती है। फिर आयरस रेगनेट से कनेक्ट होती है और उससे कहती है मुझे सतोशी पसंद है और इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगी, और क्यों ना हम इस बैटल को मजे से लड़ी। उसके बाद ड्रैगनेट के अंदर एक अलग से जोश आ जाता है और ऐश देख के बिल्कुल हैरान, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर ऐश कहता है पता नहीं क्या बात की आयरस ने ड्रैगनेट से, और एक बार फिर से ऐश जोश में आता है, कहते हैं चलो जाओ। उसके बाद अरोरा ड्रैगनेट पे हमला करता है और साथ में ड्रैगनेट ड्रैगन क्लॉक का इस्तेमाल करता है और फिर से एक घमासान बैटल शुरू होती है। और इस बार ड्रैगनेट एक बवंडर बनाता है जिससे अरोरा का कोई भी अटैक काम नहीं करता, और वहां पे बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और ऐश कहता है और उसके बाद अरोरा एक स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है और उसे ड्रैगनाइट पे फेंक देता है, और उससे एक बहुत ही खतरनाक अटैक बन जाता है जो कि उस टूटी हुई छत से बाहर चल जाता है जो कि सब लोग देखने लग जाते हैं। अगर आप लोगों को इस एपिसोड की एएमवी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके इस एपिसोड की एएमवी देख सकते हैं। और जैसे ही ऐश इशारा करता है ड्रैगनेट सारे के सारे कॉमेट अरोरा पे फेंक देता है। उसके बाद अरोरा भी अपना स्पेशल अटैक यूज कर रहा होता है ताकि उन कॉमेट से बच पाए, लेकिन वो उनसे बच नहीं पाता है और वो सारे के सारे कॉमेट अरोरा को हिट करते हैं। सबकी नजरें मैदान पे होती है और अरोरा हार जाता है। उसके बाद ड्रैगनेट ऐश और पिकाचू खुशी मनाने लगते हैं, और उसके बाद आयरस अरोरा के पास जाती है और बोलती है तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद ऐश खुशी मनाने लग जाता है कि उसने एक चैंपियन को हराया। उसके बाद ऐश और आयरस हाथ मिलाते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर कैसी लगी तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन वीडियो, और हाँ लाइक जरूर ठोक देना अगर तुम्हें पसंद आई है वीडियो तो, क्योंकि उससे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें मेरी सारी की सारी पोकेमोन की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ मिल जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय।